मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। मांडू पहुंचे नर्मदा परिक्रमा करते हुए मध्य प्रदेश कृषि मंत्री कमल पटेल व उनका परिवार। मंत्री पटेल जब मां रेवा की पूजा करने के लिए पहुंचे तभी वहां पर चीता जलते देख मंत्री पटेल उनकी पत्नी में साइड में जाकर पूजा अर्चना की। पत्रकारों से मंत्री पटेल ने की चर्चा, कहा ग्रामीण आबादी को मिलेगा मालिकाना हक। मंत्री पटेल ने चर्चा में आगे बताया कि अब तक आबादी में बसे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनके मकान और जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलता, अब वह अपने मकान और जमीन के मालिक है। सही मायनों में देश आजाद हुआ है। 73 साल में कांग्रेस ने इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब ग्रामीण क्षेत्र की आबादी के मकान और जमीनों को बैंक से लोन भी मिलेंगे और उन्हें उनका सम्मान भी माना जाएगा। प्रधानमंत्री ने अब ग्रामीण स्वामित्व योजना भी लागू कर दी है। रेवा कुंड का होगा कायाकल्प। मंत्री पटेल ने यहाँ रेवा कुंड पहुंचने पर वहां की गंदगी और मुक्ति धाम यही होने पर इस विषय में उपस्थित लोगों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि मैं पुरातत्व विभाग के अधीन है, वे जल्द ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से मिलकर रेवा कुंड के कायाकल्प का पूरा प्लान देंगे और देश भर से यहाँ पहुंचने वाले नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए भी यहाँ इंतजाम होंगे। उन्होंने मांडू भ्रमण के दौरान जहाँ भी छोटी कन्या दिखी उन्हें चुनरी ओढ़ाकर उनके पैर धोकर उनसे आशीर्वाद लिया। पत्नी रेखा पटेल, पुत्र प्रदीप पटेल, पूर्व विधायक कालू सिंह ठाकुर, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि जयराम गावर, देवेंद्र पटेल, कृष्णा यादव, रविंद्र परिहा, राहुल सेन मांडव साथ थे। वहीं रेवा कुंड के पश्चात मांडू के चतुर्भुज श्री राम मंदिर में जाकर प्रभु श्री राम के दर्शन किए। वहीं पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 डॉक्टर नरसिंहदास जी मुलाकात की। पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री नरसिंहदास जी महाराज मंत्री पटेल को श्री साल श्रीफल देकर आशीर्वाद दिया। वहीं धर्मपुरी के पूर्व विधायक कालू सिंह ठाकुर द्वारा अपनी टीम के साथ मंत्री पटेल का स्वागत किया गया। मांडव से राहुल सेन की रिपोर्ट। क्या किसान आंदोलन जो कर रहे हैं किसान संगठन, ये किसान के हित से नहीं है, ये बिचौलियों के हैं और उद्योगपतियों के हैं, आढ़तियों के हैं। ये जो आंदोलन चल रहा है पंजाब में या पंजाब हरियाणा में आढ़त पड़ता है, वो लूटते हैं किसानों को और किसान उनके गिर भी रखे हुए हैं और इसलिए ये मुक्ति दिलाने वाला है और इसलिए उनको नुकसान हो रहा है। इसलिए कांग्रेस और अकाली दल और सब विपक्ष जितने हैं वो सब मिलकर, क्योंकि उनकी खुद की कंपनी है, उनके हजारों करोड़ कमाते हैं, वो मैनेज करके आंदोलन करवा रहे हैं ताकि पूरा देश का किसान मोदी जी के साथ, मध्य प्रदेश का किसान मोदी जी के साथ है। और मैं आपसे ही पूछता हूँ, वो कांग्रेस से पूछिए कि भैया आजाद भारत हुए 73 साल हो गए, गांव शहर मिलकर देश बना, तो गांव में प्रॉपर्टी का मालिकाना क्यों नहीं? आबादी में गांव बसता उसको, आपका गांव में मकान एक रुपये एक लाख का हो या 100 करोड़ का, पूरे गांव की वैल्यू 1000 करोड़ की भी, तो 1 रुपये की जमानत नहीं मिल सकती, 1 रुपये की लिमिट नहीं मिल सकती, 1 रुपये का लोन नहीं मिल सकता, इसलिए गाँव पिछड़ गए। मुट्ठी भर शहर के लोग, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है उन्होंने प्रॉपर्टी का कलेक्टर गाइडलाइन से उसकी वैल्यू करा के वो बैंक से लोन लेते हैं और सब्सिडी का फायदा उठाते हैं और इसलिए कांग्रेस की